कच्चे कोकोनट के साथ ये चीज़ मिलाकर लगा लो, बाल इतने स्मूथ सिल्की स्ट्रेट होंगे, पार्लर जाना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कच्चा कोकोनट, जो फ्रेश कोकोनट होता है, उसका इस्तेमाल करके हम किस तरीके से बालों को स्मूथ शाइनी बना सकते हैं। जिन लोग के बाल काफ़ी ड्राई है, डैमेज है, बालों में काफ़ी स्प्लिट एंड्स हो गई है, जिसकी वजह से बाल काफ़ी ख़राब दिखाई देने लगते हैं, बालों में मॉइस्चर नहीं है, या आपके बाल थिन हो रहे, पतले हैं, काफ़ी टूट रहे, झड़ रहे, आपको हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है, तो उन केसेस में भी ये रेमेडी काम आने वाली है। तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, और आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस क्रीम को बनाने के लिए जो हम बनाने वाले, उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो है फ्रेश कोकोनट। आपको 15 ग्राम के करीब फ्रेश कोकोनट को ले लेना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना है, और उसके बाद आपको उसको मिक्सर में पीस लेना है। पीसने के बाद कॉटन के कपड़े पर रख के इसका मिल्क निकाल लेना है, बिल्कुल अच्छे से छान लेना है। ये मिल्क हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, काफ़ी अच्छे विटामिन पाए गए, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते, स्कैल्प की क्लीनिंग करते, और जिन लोग के बाल ड्राई हैं, डैमेज है, या बालों में स्प्लिट एंड्स हो गई है, उन केसेस में ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो गए। इसके अंदर हाई अमाउंट के अंदर लोरिक एसिड पाया गया है, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, काफ़ी अच्छे इसके अंदर प्रोटीन पाया गया है, जिससे हमारे हेयर लॉस में भी काफ़ी काम आएगा, और ड्राई बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये फ्रेश कोकोनट मिल्क। अब हमें इसके अंदर एक होल एग यूज़ करना है, कच्चा अंडा आपको पूरा इसके अंदर मिक्स कर देना है, जिससे आपको इफ़ेक्ट दुगने मिलेंगे। जिन लोग के बाल ड्राई है, डैमेज है, उन लोग के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, आपको पूरा एक का इस्तेमाल करना है। अब हमें इसके अंदर लास्ट चीज़ मिलाना, वो है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल हमारे हेयर के आउटर फोलिकल्स होते हैं, वो काफ़ी ड्राई होते हैं, उन ड्राइनेस को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आपको एक चम्मच के करीब ओलिव ऑयल को कोकोनट मिल्क और जमने एग मिला उसी के अंदर मिक्स कर देना है। ये रेमेडी हमारे तैयार है। बात करें इसको किस तरीके से यूज़ करना है, आपको सबसे पहले शैम्पू कर लेना है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। शैम्पू करने के बाद आपके जब 50% बाल गीले हो, तब इसे आपको अप्लाई करना है, और इस रेमेडी को आपको कम से कम 30 मिनट तक पूरे बालों पर लगाए रखना है, और उसके बाद आपको लूक वॉर्म वाटर से क्लीन कर देना है। इस तरीके से आप बालों के ड्राइनेस को कम कर सकते हो, स्प्लिट एंड को दूर कर सकते हो, और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को भी मेंटेन कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।